कलश यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, घोड़े पर सवार थी युवतियां, हाथी पर विराजमान थे लड्डू गोपाल। विदिशा जिले में 7 अप्रैल से श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो रही है। कथा का वाचन बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करेंगे। गुरुवार के दिन बटेश्वर महादेव समिति द्वारा ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाली गई, जहां यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं सिर पर कलश लेकर निकली। घोड़े पर युवतियां सवार थीं, हाथी पर लड्डू गोपाल विराजमान थे, ऊंट चल रहे थे और तिरंगा लहराया जा रहा था। शहर के देवी के बाग हरदौल गार्डन से शुरू हुई यात्रा में 4 अलग अलग रथों पर संत महात्मा और यज्ञाचार्य विराजमान थे। कामधेनु गाय, हनुमान जी के स्वरूप और महात्माओं के चित्रों की झांकी सजाई गई थी। डंडापुरा, तिलक चौक, माधोगंज, पीतल मील होते हुए 8 किलोमीटर की दूरी तय कर पैराडाइज कॉलोनी बायपास कथा स्थल पहुंची। यात्रा में आगे ध्वजावाहनी, उसके पीछे 4 बैंड दल, उज्जैन के नगाड़ा पार्टी भी शामिल हुई। मध्य प्रदेश में उज्जैन की तर्ज पर महाकाल की सवारी और हाथी घोड़े भी शामिल थे। जगह जगह व्यापारियों और कई संगठनों ने यात्रा का स्वागत किया। इस भव्य आयोजन में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की व्यवस्था की गई है, जहां समिति द्वारा बताया जा रहा है कि टोटल 150 से 200 बीघा जमीन पर आयोजन की व्यवस्थाएं की गई हैं। 30 बीघा क्षेत्र में कथा सुनने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशाल वाटरप्रूफ डोम सजाया गया है। लक्ष्मी नारायण यज्ञ के लिए 10 बीघा में भव्य और सुंदर यज्ञशाला विशेष कुशा से तैयार की गई है। कथा के दौरान अनवरत भंडारा चलेगा, इसके लिए 5 बीघा में व्यवस्था की गई है। 15 बीघा में मेला लगेगा और 20 बीघा से अधिक क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कथा आयोजक बटेश्वर सेवा संस्थान के पंडित अंकित कृष्ण तिंगुरिया बटुक जी ने बताया कि बागेश्वर बालाजी की कृपा से आयोजित होने वाली भागवत कथा को लेकर ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाली जा रही है, जो विदिशा के इतिहास की सबसे बड़ी कलश यात्रा है। Oh,